लुधियाना औरा जिम पखोवाल रोड स्थित इंडियन बॉडी बिल्डर एसोसिएशन की तरफ से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मीडिया से बातचीत करते हुए नवनीत सिंह तथा मोनू सबरवाल ने बताया कि दिनांक 21 मार्च को लुधियाना के जालंधर बाईपास अंबेडकर भवन में जूनियर इंडिया मास्टर इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें सभी वर्ग अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। उन्होंने बताया कि सबसे बड़ी बात यह है कि मेडल जीतने वाले को सरकारी नौकरी के चांस भी हैं। सेक्रेटरी इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ते मैं बड़ी खुशी हो रही है दसदे हुए कि कोविड तो बाद नैशनल लैवल का पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पीटिशन जो लुधियाने के हो रहा जूनियर नैशनल ये जूनियर मास्टर्स हैंडीकैप तो दो कैटेगरिया लड़कियों भी हो रही ने जूनियर 21 साल तो थले मास्टर 40 तो 50 साल 50 तो 60 साल तो 60 साल तो उपर इस इन कैटेगरियों के कॉम्पीटिशन हो रहा है जिद सारे इंडिया तो टीम इतने भाग लेनी है स्टेट वाइज इस अपनी अपनी स्टेट तो जो टॉप मोस्ट बॉडी बिल्डर होंगे वो इतने आके भाग लेंगे तो जो कॉम्पीटिशन है 21 तरीक अंबेडकर भवन जलंधर बाईपास के नेड़े उत्थे हो रहा इतने साढ़े इतने पहुंचे ओरा जिम के असी थैंक्स करते अपनी पूरी लुधियाना की टीम का जोड़ा कि साढ़े नाल खड़े है इस कॉम्पीटिशन के वास्ते तो असी जो 21 मार्च में मिस्टर इंडिया जूनियर मिस्टर इंडिया करा जा रहे हैं जिद हैंडीकैप मास्टर तो वूमेन फजीक भी ये हो रहा है तो असी सारे का धन्यवाद करते हैं पंजाब आने वेलकम भी करते हैं पूरे स्टेट दीमों और एक ये सब तो वही गल है कि जोड़ा भी ये बच्चा अपने मैडल लेके आऊगा और सरकारी जॉब उन्होंने मिलने बहुत वही हेल्प होगी क्योंकि ये मानता प्राप्त है गोरमेंट वालों एक नॉर्मल फैडरेशन नहीं हैगी साड़ी जिहड़ी पंजाबी बॉडी बिल्डिंग एसोसीएशन है तो यह साढ़े गुरु जी पदम श्री प्रेमचंद डेगरा की अगवाई के असी ये कॉम्पीटिशन करवा रहे हैं तो अगे भी बहुत कॉम्पीटिशन करवाए हैं और इसे असी उम्मीद करते हैं आ भी कॉम्पीटिशन जोड़ा है साडा बहुत सफल होगा तो असी मीडिया का दिलों थैंक्स करते हैं तुम साड़ी ये सपोर्ट करो कि जो कि साढ़े इस कॉम्पीटिशन असी अगे तक ले जा सकी। हाँ जी कोविड देखते हो सर असी पूरी उत्थे अरेंज किया पूरे प्लेयर का डिस्कस किया जो भी उत्थे गाइडनेस होगी असी प्रोपर वह ख्याल रखा कोई इदा की वो नहीं होगी जी कि असी खराब करिए किसी। लुधियाना से विशाल की रिपोर्ट जनहितेशी न्यूज़।